हेलो फ्रेंड्स, खमागणी। और कई लोगों ने मुझे इन दिनों में पूछा है कि आप अभी ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं, या अभी मैंने दीपावली का या कई जो त्यौहार है उनका ब्लॉग क्यों नहीं बनाया है। तो उसका एक कारण है, मैं आप सभी को अत्यंत दुख के साथ सूचित करना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भाभी सा नीना कंवर, जिनकी अभी स्वर्गवास हो गया, जिनका अभी करवा चौथ के दिन और दीपावली से पहले करवा चौथ के दिन, और बहुत ही सरल हृदय और हम सभी से अत्यंत प्रेम रखने वाले थे। हम सभी परिवार जनों को भगवान सब इतनी शक्ति दे कि हम उनका दुख सहन कर सकें, और उनकी यादें तो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। जब भी हम घर जाते थे तो हमारे साथ कुछ न कुछ करते थे, बातें करते थे, और कुछ भी हम ब्लॉग भी कहीं आप लोगों ने देखा होगा घर पे बनाते हैं तो पूरा पूरा सहयोग करते थे। कोई भी त्योहार होता तो पूजा करने में घर पे जाती थी। इन दिनों में जब राखी आई थी तब भी आपने रिसेंटली उन्हें देखा होगा राखी के त्योहार पे भी, और बहुत ही अच्छे नेचर के थे और बहुत प्रेम भाव रखने वाले थे। और अभी कई लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा था मेरे से, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में, जो हमारे यहाँ जोधपुर के हैं, और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, जान पहचान भी है, कई रिश्तेदार भी है सारे जो लोग मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, तो उन लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, तो मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया था। और इन दिनों में कोई वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, ना मैं कोई रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग उधर ही मम्मी के यहाँ जाते हैं और सब वहीं बैठते हैं। आप सभी ने मुझसे पूछा था तो इसलिए मुझे सूचित करना जरूरी हो गया था, तो इसलिए मैं आप सभी को ये सूचना दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए जल्द ही नए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए खमागणी।